हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर रेंज आईजी नवजोत गोगोई पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए चिन्हित परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे बाड़मेर। आगामी 6, 7 व 8 नवंबर को पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षाएं आयोजित होनी है, जिसकी तैयारियां एवं परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने जोधपुर रेंज आईजी नवज्योति गोगोई एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान भाड़ में पहुंचे। भाड़ में जिला मुख्यालय पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी आनंद शर्मा द्वारा की गई एवं बाड़मेर के पुलिस अधिकारियों की विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक भी आयोजित की गई। उसके बाद जिले के सदर थाना अंतर्गत एवं ग्रामीण थाना अंतर्गत आने वाले परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जिस प्रकार से बाड़मेर पुलिस ने तैयारियां कर रखी हैं, उसके अनुसार ये परीक्षा शांतिपूर्वक एवं पूरी तरह से सफल आयोजित करवाएंगे एवं नकल गिरोह को लेकर भी पुलिस पूरी तरह से सक्रिय रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसी किसी को सूचना मिलती है तो पुलिस को तुरंत सूचित करें। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए नवज्योति गोगोई आईजी जोधपुर रेंज इन्होंने ये कहा, कांस्टेबल भर्ती 2019 की जो लिखित परीक्षाएं हैं ये 6, 7, 8 नवंबर को होगा। बाड़मेर में कुल 16,000 करीब कैंडिडेट्स हैं और 6 टोटल सेंटर्स हैं। इस पे वही है, क्या तैयारी है, क्या व्यवस्थाएं रहेगा, उसके लिए मैं आया। अभी एसपी साहब और बाकी जो एडिशनल एसपी है, सीओ है, उनसे मैंने डिस्कस किया और सभी तैयारियां हमारा लगभग कंप्लीट है और हम किसी सबसे जाप्ता लगाएंगे और जो भी सेंटर्स है उसकी बाहर क्या होगा और जो परीक्षार्थी आएंगे ये बाहर डिस्ट्रिक्ट से आएंगे उनको रुकने का और ये लोग किसी सबसे उनको कोई परेशानी नहीं हो उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से खास रिपोर्ट।